हेलो गाइस, तो आज का जो टॉपिक था वो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ IOCL का डिफरेंट वर्क प्रोफाइल्स के बारे में। तो चलिए, तो आज लिख देते हैं क्या क्या वर्क प्रोफाइल्स है IOCL में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इट। तो IOCL वर्क प्रोफाइल्स, तो अभी अभी बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा IOCL में, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो लोग नए ऑफिसर के रूप में स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं इधर उनको थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि IOCL में क्या क्या डिविशंस और क्या क्या काम होता है। पहला जो डिविशन IOCL में आता है वो है मार्केटिंग। नेक्स्ट रिफाइनरी, रिफाइनरीज। ओके, थर्ड है पाइपलाइंस, एंड फोर्थ BD एंड प्लानिंग। तो ये है ब्रॉड कैटेगरीज मेनली जहाँ पे नए ऑफिसर्स को प्लेस किया जाता है IOCL में। तो और भी छोटे छोटे सब डिविशंस है इनमें, पर ब्रॉडली ये चार है। तो मैं पहले आप लोगों को फंक्शन बताना चाहूंगा कि क्या क्या है। तो मार्केटिंग का जो फंक्शन होता है वो है प्राइमरीली तेल बेचना। तो ये क्या है, मार्केटिंग क्या करता है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है उनको सेल करता है। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मतलब जो क्रूड ऑयल से रिफाइन करके मिलता है, जैसे क्या क्या हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, फिर वैक्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब सेल करना इनका काम होता है मार्केटिंग डिवीजन में। ओके, सो इन मार्केटिंग डिवीजन द मेन जॉब इज मोर ऑफ एन MBA प्रोफाइल, इट इज नॉट लाइक इंजीनियरिंग, और इसमें टेक्निकल काम नहीं रहता। सो द नेक्स्ट इज रिफाइनरीज डिवीजन। रिफाइनरी डिवीजन का मेन काम क्या है, टू रिफाइन द क्रूड ऑयल। ओके, रिफाइन द क्रूड ऑयल दैट इज द रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, इन सब में कन्वर्ट करना। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारे प्लांट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं रिफाइनरी में। और रिफाइनरी में जो मेन प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं वो ये काम करते हैं, और उसके साथ साथ मेंटेनेंस डिविशंस होते हैं जो सर्विस यूनिट्स हैं। तो वो क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इनको हेल्प करते हैं इन ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द मोटर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व इन रिफाइनिंग द क्रूड ऑयल। और थर्ड जो डिविजन आता है वो है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस का काम क्या है, टू ट्रांसफर ट्रांसफर द प्रोडक्ट्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ये सब होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, क्योंकि हर जगह पे ही ये सब इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, तो वहां पे भी उनका मेंटेनेंस चाहिए होता है। ओके, सो इनका काम है मेनली ट्रांसफर करना इन प्रोडक्ट्स को। तो आप देख सकते हैं कि एक कंपनी के अंदर इतना सारा डिफरेंट वेरियस प्रोफाइल्स है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपनी है। IOCL का टोटल जो मैन पावर है वो लगभग 33,000 के आसपास है। ओके, 33,000, मतलब आप सोच सकते हैं कंपनी में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब ये कितना मैमथ साइज का कंपनी है। ओके, तो ये तीन जो प्रोफाइल्स है ये मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट जो BD एंड प्लानिंग, इसमें बहुत कम लोगों को दिया जाता है शुरू में। तो BD एंड प्लानिंग का काम है टू इम्प्रूव द बिजनेस। ओके, द बिजनेस मार्जिन, बिजनेस मार्जिन्स एंड फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। ओके ओके, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब में ये काम आते हैं। ओके, तो ये थोड़ा अनकॉमन प्रोफाइल है बिजनेस डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। मेनली रिफाइनरीज जो है इसमें एक बल्क मैन पावर जाता है। ओके, क्योंकि रिफाइनरी में अभी 10 लोकेशंस है और IOCL बहुत सारा नया प्रोजेक्ट भी ला रही है। तो IOCL में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये जो एक्सपेंशन है इसके लिए बहुत सारे इंजीनियर्स को चाहिए। और रिफाइनरी डिवीजन जो है, रिफाइनरी डिवीजन में क्या होता है, टेक्निकल काम होता है। तो जो लोग ऑब्वियसली गेट के थ्रू टेक्निकली साउंड आ रहे हैं उन लोगों को रिफाइनरी में दिया जाता है, और मार्केटिंग में भी एम्प्लॉय किया जाता है। मार्केटिंग में भी जैसे प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है रिफाइनरीज के थ्रू, तो मार्केटिंग में भी मैन पावर का जरूरत है, इसलिए मार्केटिंग में भी ये लोग जाते हैं। और पाइपलाइंस में भी एम्प्लॉय किए जाते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफर करना भी एक ड्यूटी है। और BD प्लानिंग में बहुत कम लोगों को वैसे दिया जाता है, पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि IOCL का जो बिजनेस है ये इम्प्रूव करना इनका काम है।
तो ये हो गया ब्रॉड कैटेगरीज IOCL में जो वर्क प्रोफाइल्स है। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं लाऊंगा आप लोगों के सामने ब्रांच वाइज क्या क्या काम IOCL में होता है, और मेनली उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि व्हाट विल बी योर जॉब रोल, मतलब क्या क्या डेली जॉब में आप लोगों को करना पड़ेगा, और उसमें आपको पता चलेगा कि हर एक ब्रांच का क्या कैसा वर्क कल्चर है IOCL में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।